बिल्कुल फाइनल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे इसको आगे बढ़ाते हैं। हम तीन तो कर चुके हैं, आज फोर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फोर पी विपणन में फोर पी क्या होते हैं। तो फोर पी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फोर पी का पूरा नाम क्या होता है, फिर कौन कौन से पी होते हैं, इसका प्रतिपादन कौन है और कौन सी ईयर में प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले बात की जाएगी फोर पी के प्रतिपादन कौन है, हम बताएंगे जेरोम है। दूसरी बात 1960 में इसका प्रतिपादन किया गया था, 1960 में। फोर पी में जो चार पी है कौन कौन से है, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, थर्ड प्रेस और फोर्थ परमोशन। उत्पाद मिश्रण भी मिश्रणों का मिश्रण है, यानी कि उत्पाद में जो जो विशेषताएं शामिल होती है, क्वालिटी क्या है, ब्रांड नेम क्या है, साइज, डिजाइन, ट्रेडमार्क क्या है उसका, क्वालिटी, पैकेज, लेबल, ये सब विशेषताएं यहाँ पे उत्पाद की। प्राइस, प्राइस निर्धारित करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड यूज करनी चाहिए, प्राइस क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है, इसके बारे में बात पहले कर चुके हैं। प्राइस स्थान की जब बात आ जाए तो समझते हो आप कि स्थान का संबंध सीधा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, उनका क्या कमीशन है, रिमुनरेशन क्या है, उनका कौन से स्थान पे है, समतल है, पहाड़ी है, ये सारी बात देखते हैं। परमोशन, प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट कैसा है, सेल्स प्रमोशन कैसा है, पब्लिसिटी कैसी है, पर्सनल सेलिंग कैसी है, ये सब समझ लीजिए। तो फोर पी जहाँ भी आ जाए सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया, कौन सी ईयर में किया, फोर पी में कौन कौन से पी आते हैं, प्रत्येक पी की क्या विशेषता है, ये सारी बातें आपको उसमें बता देंगे। अरे बड़ा प्रश्न दोनों पढ़ता आता है केवल नाम बता दूंगा सब कैसे आगे बढ़ते। संवर्धन मिश्रण देखो, यह है विपणन मिश्रण और यह संवर्धन मिश्रण, सीधी सी बात है संवर्धन मिश्रण के अंतर्गत चार चीजें शामिल है। पहली एडवर्टाइजमेंट, सेकेंड पब्लिसिटी, थर्ड पर्सनल सेलिंग और फोर्थ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब हुआ कि सेल्स बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटी की जाए, और वो एक्टिविटी कौन सी होती है, रिबेट देना, डिस्काउंट देना, प्रीमियम देना, बड़े बड़े मेले आयोजित करना, सेमिनार्स करना, कॉन्फ्रेंस करना, सेल्स प्रमोशन। पर्सन सेलिंग में आने सामने, आने सामने सेल्स कर सकती है, कोई समस्या हो उसी समय सॉल्व हो जाती है, तो हमें उसमें विश्वास भी होता है। पब्लिसिटी आप चाहते हैं, विज्ञापन आप चाहते हैं, नेक्स्ट है बाहर की बात करते हैं।